सर के धरमजयगढ़ की राशन दुकान संचालक पर क्षेत्र के लोगों ने अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। हितग्राहियों का आरोप है कि राशन लेने के लिए दुकान पर घंटों इंतजार करना पड़ता है और लोगों को मनमाने ढंग से राशन का वितरण किया जा रहा है। राशन दुकान खुलने का समय निर्धारित न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 7, 8 और 9 के रहवासियों को एक ही दुकान से राशन का वितरण हो रहा है। हम लोग कम से कम यहाँ 50 आदमी है। हम लोग आए थे चावल लेने के लिए, लेकिन आने के बाद पता चला ताला बंद है, सोसाइटी खोलेगा नहीं खोलेगा कोई जानकारी नहीं है। हैं सबरे खाकर सब बैठे हैं। अभी अभी पता चला कि लोग अब नहीं आ रहे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ लिख के चिपका देना चाहिए, जिससे पब्लिक को थोड़ा सुविधा होता है, वो आए अपना देखे चले गए।